हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीपीएस इंस्टॉलेशन नॉलेज। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए कार की जीपीएस की इंस्टॉलेशन। अभी मैं दिखाता हूँ कौन सी कार की करने वाले हैं। तो ये मेरा भाई है विक्रम, हाय। विद रियल इंस्टॉलेशन करने वाले हैं विदाउट वायर कटिंग के। तो जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो पुराने दोस्त हैं वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो इंस्टॉलेशन वगैरह में। दोस्तों, तो ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा गाड़ी है, न्यू मॉडल। तो इसके अंदर मैं अभी आपको दिखाता हूँ विदाउट वायरिंग कट के कैसे जीपीएस की इंस्टॉलेशन होगी। ये देखो दोस्तों, इसका जो है इंटीरियर वगैरह आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। यहाँ पे एसी के लिए दिया हुआ है सारा। ये इसकी डिस्प्ले, और पहले हम एक बार जो है गाड़ी को स्टार्ट वगैरह करके चेक कर लेंगे। तो पहले सबसे पहले गाड़ी को हमें देखना है, गाड़ी को न्यूट्रल कर लेना है। क्लच को दबाएंगे, गाड़ी को न्यूट्रल कर लेंगे। तो इस गाड़ी के अंदर जो है भाई गियर लगा के गियर का लॉक लगा दिया है। तो गियर का पहले लॉक खोलेंगे, उसके बाद गाड़ी को जो है न्यूट्रल कर लेंगे। न्यूट्रल करने के बाद अब जो है हम अपनी गाड़ी को ऑन वगैरह करके और स्टार्ट करके चेक करेंगे। तो चाबी ऑन होने के बाद आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये गाड़ी जो है इसके अंदर इनबिल्ट सीएनजी है, बाहर से कोई लगाई हुई नहीं है, न्यू मॉडल के अंदर इनबिल्ट आती है। और ये पेट्रोल पे भी है, तो अभी ये सीएनजी दिखा रहा है, कितनी इसमें सीएनजी है सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो एक बार स्टार्ट करके चेक कर लेंगे। तो स्टार्ट वगैरह एकदम ओके, गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। और इस तरीके आपको ये इसका डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम इसके अंदर जो है EV02 GPS की इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। ये 9 से 90 वोल्ट की बैटरी पर काम करता है। और इसके अंदर आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको एक स्विच मिलेगा देखने को, ये स्विच है। तो जब आप इंस्टॉलेशन अपनी वायरिंग वगैरह कर देंगे तो इस जीपीएस का जो स्विच है इसको ऑन कर देना, ताकि अगर गाड़ी की बैटरी वगैरह कभी निकलती है तो ये आपको बैकअप देगा। ये इसकी वायरिंग है, ये वायरिंग करने वाले हैं। इसके अंदर रेड पावर की है, ब्लैक अर्थ है, ऑरेंज इग्निशन है, येलो रिले कमांड की वायर है। इसके अंदर हम जो है 12 वोल्ट की रिले इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी पर ही ये गाड़ी है। तो ये जो हमारी 2 ग्रीन वायर है, ये हमारी एक इन में और एक आउट में लगेगी। मैं अभी लगा के दिखाऊंगा आपको पूरा प्रोसेस। और ये 2 वायर है, एक पावर सप्लाई पे जाएगी और एक जो है रिले कमांड पे जाएगी। ये हमारी 12 वोल्ट की रिले। इस गाड़ी को जो है ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले इस जगह पे से यहाँ पे पेज खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे ये दिया हुआ है जो स्टीयरिंग सेटिंग के लिए, ऊपर नीचे आप चाहो तो इसे सेट कर सकते हो। इसको ओपन करके देखते हैं इसमें कितने पेज है और कहाँ कहाँ से कैसे ओपन होगा। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ ओपन करके कहाँ से कैसे होगा, ताकि आपको कोई इशू ना हो इसको ओपन करने में और काम करने में इसमें। इस साइड में कोई पेच नहीं है, इस साइड में सिर्फ लॉक है। यहाँ पे एक नीचे पेच लगा हुआ है, इस पेच को निकाल लेंगे। इसके बाद इसका जो है नीचे वाला, इसका जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं बाहर निकल जाएगा। तो जो स्टीयरिंग के नीचे वाला बॉक्स खोलेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक पेच दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। एक पेच निकालने के बाद इसे हल्का सा ऐसे पुश करेंगे और ये निकल जाएगा। यहाँ पे इस तरीके की वायरिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसका जो है मेन जो है प्लग, ये है, इसी के अंदर से हमें वायरिंग करनी है। पहले ये गाड़ी वायरिंग जो है बहुत हैवी आती थी, अच्छी वायरिंग आती थी। अब ये बहुत ही ज़्यादा पतली वायरिंग कर दी है। जो है हमारे को मेन पावर पहले चेक करनी है मल्टीमीटर से। पहले मल्टीमीटर से इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको कि मेन सप्लाई किस पे आ रही है और ऑन के बाद किस पे आ रही है। तो बने रहे दोस्तों वीडियो में, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और जो दोस्त नए हैं चाहे वो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि कोई दिक्कत ना हो इंस्टॉलेशन वगैरह में। अभी इसकी हम थिम्बल भी देखने वाले हैं, किस प्रकार की इसकी थिम्बल है। अब जो है हम अपने मल्टीमीटर को जो है 20 पॉइंट पे कर लेंगे। तो दोस्तों, इसकी जो है हम 1 बाय 1 पहले चेक कर लेंगे पावर ऑफ पे, कहाँ कहाँ पर पावर आ रही है। एक तो यहाँ पे पावर आ रही है स्काई ब्लू वायर के अंदर, और अब सेकेंड वायर चेक करेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी पावर आ रही है जो ब्लू कलर की फुल ब्लू वायर है, इसके अंदर भी आ रही है। इस जगह नहीं आ रही, यहाँ पे भी आ रही है। नीचे जो ग्रे कलर की वायर है इसके अंदर भी आ रही है पूरी पावर,
अब इसमें भी नहीं आ रही है। अब जो है हम चाबी को एक बार ऑन करके फिर चेक कर लेंगे कहाँ कहाँ पे आ रही है कहाँ पे नहीं आ रही। यहाँ पे पहले नहीं आ रही थी, अब यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ पे भी नहीं आ रही थी, इसमें भी आ चुकी है, जो लास्ट की बची थी इसके अंदर, इसमें भी नहीं आ रही थी, अब इसमें भी आ चुकी है। तो अब जो है हमारे को जो चाबी से जिसमें लाइट आती है मीटर में, वो वाली वायर देखनी है कौन सी है। तो उसके लिए हमारे को एक जम्पर वायर की मदद लेनी पड़ेगी, उससे आपको पता लगेगा कि कौन सी वायर, मतलब जिससे हमारे रिले के कनेक्शन करने हैं, वो वायर हमारे को वहीं से दिखेगी। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ जम्पर वायर की मदद। इस तरीके का प्लग आपको इसका देखने को मिलेगा, और इसको जो है हमें ओपन करने के लिए इसके पीछे एक लॉक दिया हुआ है, ये पत्ती सी दी हुई है, इसको पिन पेचकस की मदद से उठाना पड़ेगा हमें। इस तरीके से इसे उठाएंगे, उसके बाद इसकी जो है पहले हम चेक कर लेते हैं किससे मीटर में लाइट आ रही है, एक जम्पर वायर की मदद से चेक करेंगे हम इसे। तो जो है हमने इसके अंदर पहले जो चेक किया था, इसकी जो मेन सप्लाई इसमें आ रही थी स्काई ब्लू के अंदर ग्रे के अंदर, ये तीन वायर के अंदर मेन सप्लाई आ रही थी। तो इसमें से किसी भी एक के अंदर हम अपनी जो है एक ऐसी तार लेंगे, उसका सिंगल साइड डाल लेंगे, और किसी लग्जरी कार के अंदर ऐसा कुछ आप यूज़ ना करें, उसके अंदर काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो एक बेसिक गाड़ी है तो इसके अंदर कोई इशू नहीं होंगे, लेकिन इसको तरीके से यूज़ करें, एक साइड से ऐसी वायर बना लें, दूसरी साइड से ऐसी, क्योंकि ये इसलिए बनाई जाती है सिंगल तार की, ताकि गाड़ी का कोई फ्यूज़ वगैरह ना उड़े। तो इसका ये साइड जो है मेन सप्लाई में डाल देंगे, और इसकी जो है एक सिंगल जो बाल वाली साइड जो थी, वो वन बाय वन चेक करेंगे मीटर में लाइट किससे आ रही है। तो दोस्तों जो है इससे देखो हमारे मीटर के अंदर लाइट आ चुकी है, यही हमारी इग्निशन वायर है, यही मैं दिखाता हूँ कौन से कलर वाली है। ये हमारी जो है ग्रीन कलर की वायर है, इसी से हमारे इसमें मीटर में लाइट आ रही है। तो जो हमारे को रिले लगाना है वो यहीं पे लगाना है, मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ, और किस तरीके से गाड़ी लॉक होती है फ़ोन से वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, वीडियो में बनाना है दोस्तों। अभी जो है हमने इसका लॉक उठा लिया है, इस प्लग के अंदर ये लॉक मैंने बोला था आपको, लॉक उठा लेंगे। उसके बाद इसके अंदर एक छोटा सा लॉक और होता है प्लग के अंदर, उस लॉक को उठाएंगे और इसकी थिम्बल बाहर निकल जाएगी। तो ये इसकी थिम्बल जो है निकल चुकी है, बस नॉर्मली जो थिम्बल्स होती हैं सबके पास, वो थिम्बल नहीं है, ये अलग है। तो ये मार्केट में आपको मिल जाएगी, तो ये हमारे पास जो है नॉर्मली थिम्बल ये हमारे को मिलती है। तो इसे हम कट कर लेंगे क्योंकि ये इसके अंदर लगेगी नहीं, ये कट करके फिर इसके अंदर दूसरी हम अटैच करके अभी आपको दिखाते हैं, इसकी तरह सेम होनी। तो इसकी जो हमने ये थिम्बल निकाल ली है, और हमने जो अपने इसमें रिले वाले प्लग के अंदर ये थिम्बल लगा दी है सेम इसी तरीके की। तो अब जहाँ से हमने इसे निकाला था वहाँ पे इसे अटैच करेंगे। अब जहाँ से हमने वायर निकाली थी वहाँ पे अपनी जो रिले की वो साइड लगा दी, इस पर हमने थिम्बल लगाई थी, दूसरी साइड ये बची है। अब इस पर हम जो रिले की दूसरी साइड वाली ग्रीन वायर लगा देंगे। इसके अंदर ही हम जो है अपने जीपीएस की इग्निशन वायर जो है इसमें अटैच कर लेंगे, जो इग्निशन इग्निशन का स्टेटस बताती है। तो इस पर लगा के अच्छे तरीके से वायर को टाइट कर देंगे। हमने इसके अंदर कोई भी दोस्तों वायर कट नहीं करी है, तो इस तरीके से क्या है कि गाड़ी की जो वारंटी है अवॉइड नहीं होती है। तो इस तरीके से इसकी टेपिंग वगैरह कर देंगे। अब जो है इसमें हमें पावर की अपनी वायर लगानी है, पावर वाली आपने देखी थी, तीन जगह इसके अंदर पावर आ रही थी, पिन पेचकस की मदद से इसकी थिम्बल हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों निकल चुकी हमारी थिम्बल, भाई के चेहरे में मुस्कान थिम्बल निकलने के बाद। तो जो आप अपनी पावर की वायर जो है यहाँ पे लगा देंगे, अच्छे तरीके से सेट कर देंगे इसे, और कहीं से भी बाहर ना रहे, क्योंकि अगर कहीं पर टच होगी तो गाड़ी के फ्यूज़ वगैरह उड़ जाएंगे।
हमारी पावर और इग्निशन की जो है कनेक्शन हो चुके हैं, हमारी अर्थ रह गई है, इसको छोटी टाई की मदद से बांध देंगे ताकि इसकी जो है वायर हिले हिले नहीं। जहाँ पे हमने टेपिंग वगैरह करी है दूसरे थिम्बल लगा के, उसके अंदर भी अच्छे तरीके से टाई वगैरह कर देंगे। और अब जो है इसकी हम वाइट वायर को पावर पे अटैच कर देंगे जिससे रिले को पावर मिलेगी। तो इसकी येलो वाली जो वायर है वो रिले की कमांड की वायर है, हमने इसके अंदर अटैच कर दी है और यहाँ से हमने रिले को जो है पावर दी है। तो अभी जो रिले कमांड की वायर जो हमने छोड़ी है उस पर टेपिंग नहीं करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी को ऑफ करके देखेंगे रिले से। तो मैं अभी दिखाता हूँ दोस्तों, और जो दोस्त नए यार वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ, नई नई जानकारियाँ। यहाँ से इसके लॉक को दबा देंगे और आराम से अंदर बैठ जाएगा, ऐसे प्रेस करेंगे अंदर कट की आवाज आएगी। तो लॉक इसका फंस चुका है, अच्छे तरीके से सेट हो गई है, मीटर हमारी लाइट आ चुकी है, अभी बार स्टार्ट कर लेंगे गाड़ी को। तो दोस्तों अभी जो है हमारे अर्थ बाकी है, किसी हैवी नट के अंदर लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आप किसी भी पेच वेच में लगा दें तो वहाँ से निकल जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से बढ़िया नट के अंदर लगाएंगे। तो अब यहाँ से हम इसका एक नट खोलने वाले हैं, यहाँ पे अंदर हैवी नट है। तो अर्थ के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पहले बांध दिया है इसको, और अर्थ को हमने यहाँ पे नट के अंदर अच्छे तरीके से थिम्बल के साथ लगा दिए। तो दोस्तों हमारी जो है वायरिंग अब यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है, हम अपने डिवाइस को जो है इसमें अटैच करके देखेंगे। ठीक है, डिवाइस अटैच के बाद इसके अंदर लाइट आ चुकी है रेड वाली, वायरिंग हमारी ओके है। तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे। तो गाड़ी हमारी ओके। तो एक बार हम अपनी रिले की जो टेस्टिंग के लिए हमने वायर छोड़ी थी उसको अर्थ पे टच करेंगे और हमारी गाड़ी जो है तुरंत ही बंद हो जाएगी। देखो दोस्तों इस तरीके देखने को मिलेगा आपको, गाड़ी हमारी जो है बंद हो चुकी है। अभी वहाँ से जैसे ही वायर को हटाएंगे हम तुरंत हमारे मीटर में लाइट आ जाएगी। तो दोस्तों हमारी जो है रिले भी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो हमने इसके अंदर जो है ब्लैक बक का GPS इंस्टॉल किया है, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके का इसमें सारा प्रोसेस होता है। यहाँ से पहले हमने इसको ओपन कर लिया, उसके बाद इसमें सारी डिटेलिंग आ रही है। यहाँ पे हमें IMEI नंबर डालना है, IMEI नंबर अगर इस तरीके से आएगा उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस कर देंगे। सिम एक्टिवेटेड है, कनेक्टिविटी की जो टाइमिंग है आ चुकी है 4:15 की, 14 नवंबर 2022। इस तरीके का इसमें आता है, सेम टाइम आना चाहिए, यहाँ हमारे फ़ोन में भी वही टाइम आ रहा है, सेम दोनों चीज़ आ रही है। तो अब इसका इग्निशन ऑफ का जो है चेक पास करवाएंगे। तो अभी इसका स्टेटस जो है ऑफ पे नहीं आ रहा है, तो मतलब जो है टाइमिंग वगैरह अपडेट नहीं हुई है, वहाँ पे 15 आ रहा था, यहाँ पे 16 आ रहा है, तो 1 मिनट का जो है गैप है। तो अभी एक बार बैक करके इसको चेक कर लेंगे, यहाँ पे 4:15 आ रहा है, 1 मिनट का कोई डिफरेंस है, उसकी वजह से ऑफ का जो है चेक पास नहीं हुआ है अभी हमारा। जब तक इसकी टाइमिंग बराबर नहीं होगी तब तक ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों टाइमिंग दोनों जो है बराबर आ चुकी है, 4:17 4:17 नीचे भी। तो अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाएंगे हम यहाँ से, यहाँ पे करेंगे इग्निशन ऑफ। इग्निशन हमारा गाड़ी का ऑफ होना चाहिए इसके लिए। अब यहाँ पे हम इग्निशन ऑफ का जो है इसे ऑन ये करेंगे, तो ये ओके हो चुका है। जब ओके होगा जब ये दोनों ग्रीन होगा, अब इग्निशन ऑन का जो है चेक पास करना है हमें, चाबी को ऑन कर देंगे इसके लिए।
इसके लिए हमारी जो जीपीएस की वायरिंग ओके होनी चाहिए इग्निशन की। यहाँ पे हमारा स्टेटस ओके एकदम तुरंत चेक पास हो चुका है। अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो यहाँ पे दिखा रहा है, गाड़ी की जो है लोकेशन दिखा रहा है, ये गाड़ी की लोकेशन अपडेटेड है, यहाँ पे ओके हो चुकी है। अगर ये भी अपडेट नहीं होगी, नॉट अवेलेबल आएगा, तो भी आपका जो है जीपीएस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। अब ये पूछ रहा है हमने इसके अंदर जीपीएस के अंदर जो है अपनी रिले इंस्टॉल करी है कि नहीं करी है। तो हमने अगर इंस्टॉल करी है तो हमें यस करना है, अगर अदरवाइज अगर हमने नो करी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन डालना है, जो जो भी हमारे साथ होता है जो भी चीज़ें वो यहाँ पे डालनी है। गाड़ी के वायरिंग की समस्या है, अगर ऑपरेटर ने तार काटने से मना किया है, या कुछ भी इन्वेंट्री कमी कुछ भी है, तो हमने यहाँ पे यस किया है, हमने लगाया है, तो हम यहाँ पे इसको यस करेंगे। यस करने के बाद ये चेक पास करने के लिए बोलेगा। अभी जो हमारे मीटर के अंदर लाइट आ रही है, तो अभी एक बार इस पर टच करेंगे तो हमारी गाड़ी जो है ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों टाइमिंग चल रही है, ये 2 मिनट के अंदर ही आपकी जो है गाड़ी लॉक हो जाएगी। देखो गाड़ी हमारी जो है लॉक हो चुकी है, अगर हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो स्टार्ट नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं है गाड़ी के अंदर। तो अभी जो यहाँ पे चेक पास हो चुका है, तो अभी इग्निशन को ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ रिले इस पर टच करेंगे तो हमारी जो गाड़ी ऑन हो जाएगी। इस तरीके से हमारी गाड़ी ऑन हो चुकी है, अभी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी ईजिली। तो स्टार्ट हो चुकी है, डिवाइस को अंदर सेट करेंगे स्काई साइड इसकी फेसिंग करके, ताकि नेटवर्किंग वगैरह कोई इशू ना हो। जो रिले के अंदर हमारे को टाई ज़रूर करनी है, रिले इस तरीके से हमने अच्छे से पैक कर दिया इसको, और हमारा जो डिवाइस भी हमने इस तरीके से पैक कर दिया है, पन्नी के अंदर पूरा वाटरप्रूफ कर दिया है, ताकि इसमें पानी ना जाए, नहीं तो इसकी वारंटी आउट हो जाएगी। और ये इसका स्काई साइड है दोस्तों, तो इसको हमें ऊपर की तरफ करके लगाना है, अदरवाइज अगर आप इसे ऐसे लगा देते हैं नीचे की तरफ करके, तो नेटवर्किंग में हमेशा इशू होते रहेंगे। और किसी मेटल के नीचे नहीं बांधना इसे, चाहे ऊपर ऐसे करके बांध देंगे आप, ऐसे नीचे की तरफ से डाल के बांधेंगे तो हमेशा इशू आएंगे, तो इसलिए इसे इस तरीके से लगाना है स्काई साइड फेसिंग करके। तो मैं भी आपको लगा के दिखाता हूँ कहाँ पे लगा रहा हूँ, किस तरीके से लगाना है। पे जो है अपनी पावर और इग्निशन की वायर को लगाया है, अच्छी तरीके से टाई वगैरह कर दी है, और हमने अपनी रिले को यहाँ पे बांध दिया है इस तरीके से, टाई वगैरह करके अच्छे से बांध दिया है, और हमारी जो अर्थ वाली थिम्बल है वो यहाँ लगी हुई है अंदर। तो ये हमारा डिवाइस यहाँ पे हमने स्काई साइड पे इस तरीके से लगाया है। सबसे पहले इसका जो नीचे वाला जो बॉक्स है उसको बैठा लेंगे, ये लगा के इसकी स्टीयरिंग लॉक कर देंगे ऊपर करके, और इसकी नीचे वाली जो अटैचमेंट रह गई है इसको लगा देंगे सही तरीके से। इसके अंदर सारा लॉक होता है और सिर्फ एक पेच होता है, उसको सेट कर देंगे। ये सेट हो चुका अच्छे तरीके से, अब एक पेच है वो लगा देंगे, लास्ट का पेच था वो। तो दोस्तों हमारी जो इंस्टॉलेशन फाइनली डन हो चुकी है, पूरी हमने गाड़ी अच्छे तरीके से पैक कर दी है, पेच वेच इसके लगा दिए हैं सारे। अब इसके बाद एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके चेक कर लेंगे, गाड़ी को हैंड ओवर करने से पहले। तो इस तरीके का ही पहले था ये, मीटर में कोई इशू नहीं, तो स्टार्ट वगैरह में कोई इशू नहीं है, ऑन वगैरह एकदम अच्छे तरीके से चल रहा है सब कुछ, सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, इंडिकेटर वगैरह, हेडलाइट के लिए हम हेडलाइट चेक कर लेंगे, इस तरीके से वर्क कर रही है। तो दोस्तों फाइनली जो है हमारी मारुति सुजुकी अर्टिगा की जीपीएस की इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उनको कोई इशू ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।